राजीव जी, दो चीजों पर सरकार का फोकस रहता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक तो पीएम आवास योजना को लेकर काफी चर्चा होती है, क्या आपको लगता है उसमें आवंटन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि उसके जरिए वो कहते हैं कि हम जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े लोग रह गए उनको हम सहायता पहुंच रही है। और दूसरा महिलाएं, जिस पर सरकार का बहुत जोर है, उनका कहना है 10 सालों में हमने 30% आवंटन बढ़ाया है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक क्या कुछ हो सकता है, क्या पीएम जो सम्मान निधि किसानों के लिए उसमें महिलाओं के लिए अलग से, क्योंकि कृषि क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का योगदान है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हर क्षेत्र में, महिलाओं के लिए क्या हो सकता है और पीएम आवास योजना, ये दो प्रश्न। मैं इन दो प्रश्नों के पहले एक बात ये कहना चाहता था एम्प्लॉयमेंट पर, कि जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा है उसमें 57% लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब उनका ये एक कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें मतलब इनको ये नहीं माना जा सकता कि ये फुल्ली एम्प्लॉयड है। इसीलिए मैंने शुरू से कहा था कि एम्प्लॉयमेंट पे सरकार को जोर देना पड़ेगा और वो शायद देंगी। उसके बाद जो ये हाउसिंग जो है, जो गृह आवंटन की बात है, मेरे ख्याल में इसमें बढ़ाया जाएगा, अगर साथ में इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा और घर बनाने की बात है, और बनाना अच्छा भी है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है, हाउस होल्ड फाइनेंसिंग बढ़ते हैं, मगर और इसलिए उसके नंबर बढ़ेंगे। मगर साथ में वो जो जल जीवन योजना जो है, ये हर घर नल में जल, हर घर में नल, वो उस पर काफ़ी काम होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है और उससे काम अच्छा बनेगा। महिलाओं के लिए अच्छा होगा कि कोई एक ऐसी स्कीम निकाली जाए जिससे कि हर महिला को किसी ना किसी लेवल में काम करने के लिए प्रोत्साहन मिले, क्योंकि हमारा जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है थोड़ा सा बढ़ा तो है मगर अभी भी बहुत कम है और देशों के हिसाब से। मनरेगा में कितना बढ़ा रहे हैं, बोलेंगे कि उनका स्कीम है, आप लोगों ने उसको पहले तो बहुत नकारा, गड्ढा बोला, लेकिन बाद में वही स्कीम अब आप लोगों की भी प्रिय स्कीम बन के निकल रही है। देखिए अंजना जी, आज सिर्फ देश में नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर, ऑपोजिशन में बैठे लोगों को छोड़कर, उनकी मजबूरी है कि उनको हमें क्रिटिसाइज करना है। दुनिया इस बात को मानती है कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं बल्कि बहुत तेजी से भाग रही है, पटरी पे तेजी से दौड़ रही है, और जितने पॉलिसी डिसीजन लिए हैं और रिफॉर्म्स मेजर्स लिए हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है। हमने बराबर कोशिश की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर इस बात की कोशिश की है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे समाज के हर वर्गों का फायदा हो। और इस बजट में जो हमने कहा, इवन दो ये वोट एंड अकाउंट्स में, लेकिन डायरेक्शन साफ दिखेगा कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। ग्रोथ जब होगा, ग्रोथ पे फोकस होगा, तो जो आप महिलाओं के भागीदारी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि महिलाओं की भागीदारी के लिए और ज़्यादा कुछ इनिशिएटिव और पॉलिसी रिफॉर्म्स आए जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़े और जो GDP ग्रोथ है वो भी और तेज़ी से बढ़े। हमारी सरकार ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है बराबर कि हम हर वर्ग को आगे बढ़ने के मौके देंगे और उसके लिए हर तरह के सहायता जो है, सरकारी जो बजटरी एलोकेशन है वो देंगे, लेकिन रूरल एरिया में, रूरल इकोनॉमी में हमारा फोकस है, हमारा फोकस रहेगा, और खासकर एक खास सेगमेंट में जो कह रहा हूँ, चूंकि वो उसको कहते हैं बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। और रियल एस्टेट सेक्टर में जो आप पूछ रही थी आवास योजना के बारे में, हो सकता है रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे मेजर आ सकते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल अनुमान है कि जो जिस तरह से पहले बार जो रेंट के एक घर को कर दिया गया था, एक से ज़्यादा एक घर रख सकते हैं आप और उस पर कोई रेंट का रेंट पे टैक्स नहीं लगेगा, या अज्यूम रेंट पे टैक्स नहीं लगेगा, हो सकता है कि आज के दिन में ऐसे लगता है मुझे कि नौकरी और बढ़ाने के लिए और तेज़ी गति बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था के, मुझे लगता है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन अगर सरकार हटा देती है कि घर जितने भी हो आप ले सकते हैं, जितना भी खरीद सकते हैं, उस पर डीम्ड रेंट नहीं होगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो मुझे लगता है कि और तेज़ी से ग्रोथ होगा। और इस तरह से सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए जो कैपेक्स का जो हमारा कमिटमेंट है सरकार का, जो हर साल हर बजट में दिख रहा है, इस बजट में भी दिखेगा, ताकि सस्टेन ग्रोथ रहे और प्राइवेट पार्टिसिपेशन, चूंकि बैंकों की हालत बहुत मजबूत हो गई है, प्राइवेट कंपनी जो एक्सेस कैपेसिटी सिस्टम में खत्म हो गया है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसी इनिशिएटिव आएगी कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा और भी ग्रोथ बढ़ेगा, और देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 हो गया है और घट के आगे वाले दिनों में और घटेगा, और हर जगह जो पर कैपिटा इनकम जो है देश का, हर देश में बढ़ेगा, इसलिए कि जो अब जो सरकार पहले तो 5 सालों में जितनी जो कमियां थी इकोनॉमी में उसको दूर किया, अब जो पटरी पे आए तो दौड़ रही है, अब जो एक्सेलरेट करने का समय आ गया है, और मुझे लगता है मोदी 3.0 में देश के अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत,
और बहुत तेजी से दौड़ेगी और उसके संकेत आपको इस बजट वोट ऑन अकाउंट्स में दिखेंगे। फुल बजट जब आएगा तो उसके आपको बहुत सारे स्ट्रक्चरल एंड पॉलिसी रिफॉर्म दिखेंगे जो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत आगे ले जाएगी, गरीब लोगों का भला होगा। ज्ञान जो मैंने कहा, ये चार पिलर जो है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जिसका बार बार जिक्र किया उन्होंने, उसमें बहुत अच्छा पॉलिसी डिसीजन आएगा ताकि उसको मजबूत होगी। ये तो मानकर ही बैठ गए इनकी सरकार आ रही है, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 3.0। पीएम ने भी कहा है कि अगला बजट हम ही पेश करेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पर कोई रोक तो है नहीं, उस पर तो टैक्स पड़ नहीं रहा, देखें। लेकिन लच्छेदार बातें और आंकड़े कुछ और कहते हैं। आप लोगों ने कुछ डिस्कशन अभी राजीव जी से, सुभाष जी से और यहाँ पर जफर भाई से किया, उन आंकड़ों की पोल भी तो खोलनी चाहिए ना। आपने पीएम आवास का जिक्र किया, पीएम आवास में जो आवंटित अर्बन था उसमें महज 2.25 टारगेट मीट हुआ है अभी तक, जो अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। पीएम ग्रामीण में मात्र 55%, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही टारगेट मीट हुआ है अभी तक, जो हो जाना चाहिए था। हर घर जल की पोल ये है कि 2/3 टारगेट ही मीट हो ना पाया है, 2024 1 जनवरी को ये पूरा हो जाना था। छोड़िए इन बातों को, इन्होंने दो चीजों की बात करी और उन दो चीजों की हकीकत जान लेते हैं। सब कुछ चंगा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, अर्थव्यवस्था दौड़ रही है, 10,000 लोग हरियाणा के लाइन लगा के खड़े हैं इसराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। पुणे के हिंजनवाड़ी में एक कोडिंग की जॉब निकलती है प्राइवेट कंपनी की, 3,000 लड़के और लड़कियां लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं उस एक नौकरी के लिए। असलियत ये है, ये निवेश की बात कैसे कर सकते हैं। FDI 9 साल 10 साल से FDI सुना, 3 साल से FDI गिर रहा है, 16 साल में सबसे निचले स्तर पर FDI आ गया है। आपको बोलने दीजिए, इतना बड़ा राष्ट्र के नाम 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में क्या कांग्रेस पार्टी का भरोसा है। अंजना जी, आप ही की मैं थोड़ी सी मेमोरी आपके द्वारा व्यूअर्स की कर देती हूँ। 2022 में हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाना था, हम 30 में हो पाएंगे, 10 ट्रिलियन के लिए हमें 15% पे ग्रो करना पड़ेगा। लच्छेदार बातें होती हैं, मीडिया में सुर्खियां भी बनती है, के पर लच्छेदार के बाटो, अरे एक मिनट, लच्छेदार बाटों की असलियत भी तो समझिए। असलियत क्या है, असलियत यह है कि मनरेगा में 15.5 करोड़ लोग आज जुड़ गए हैं क्योंकि उनके पास शहरी क्षेत्रों में और गांव के क्षेत्रों में नौकरी नहीं है। सरकार के पास 100 दिन का रोजगार नहीं, औसतन 40 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। ये सब आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को कैसे झुठलाया जा रहा है। और मैं एक अंतिम आंकड़ा कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। गांव देहात से मैं ताल्लुक रखती हूँ, छोटे घर किसी के चले जाइए तो वो बिस्कुट और पानी पिलाता है। आज की तारीख में शैम्पू, तेल, मंजन, जो यार्डस्टिक है इकोनॉमी के, जो कंजम्पशन के रूरल में, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किए हैं। यही हाल ITC का है, यही हाल ब्रिटानिया का है। पार्ले जी का एक बिस्किट जब कम बिकता है ना तो पता चलता है इकोनॉमी का क्या हाल है। ईज ऑफ लिविंग, और ईज ऑफ लिविंग में जो बेसिक जो आपको चाहिए नेसेसिटी है, बिजली, पानी, सड़क, राशन, इसको ये ऐसी सरकार है जो वेलफेयर स्टेट है, इसको कहीं ना कहीं वो समझती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की कि घर घर तक हर चीज पहुंचानी चाहिए। इसलिए आज देश की जनता और गरीब जनता हमारे सरकार के साथ क्यों खड़ी है, उसको लगता है कि एक सरकार उसकी सरकार है जो उनके बारे में चिंता करती है।